हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही मज़े का एक व्हाट्सअप लेके आया हूँ जो कि प्ले स्टोर से कभी भी डाउनलोड नहीं होने वाला और ना ही वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ये व्हाट्सअप मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस व्हाट्सअप का नाम है GB व्हाट्सअप, जिसको मैंने अपनी होम स्क्रीन पर सामने रखा हुआ है। ये है वो व्हाट्सअप। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप का क्या फ़ायदा है, इस व्हाट्सअप पर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इस व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। इसमें वो सारे काम हैं जो कि प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, जिस व्हाट्सएप को उसमें वो हरगिज़ भी नहीं जो इसमें हैं। मैंने इसे ओपन किया तो इस पर मैंने फिंगरप्रिंट अपना लगाया हुआ था। ये देखें दोस्तों, मैंने इसे कस्टमाइज थीम में तब्दील किया हुआ है। मैंने अपना जो वो ये जो ऑप्शन है चार्ट के, ग्रुप्स के, कैमरे के, ये मैंने नीचे ले आया हूँ और हमारे स्टेटस ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। अगर ये जो डिफ़ॉल्ट है ये सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। इस पर ही हम बात कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, जैसे कि ये भाई ने मुझे 3 SMS किए हैं जो कि मैंने अभी अभी देखे हैं। एक उसकी वॉइस है अभी तक के जो मैंने सुनी नहीं है, उसमें वो कोई ऐसी बातें कह देता है कि जो मुझे अच्छी ना लगे। अब वो वहाँ से डिलीट कर देगा ना, तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। ये प्ले स्टोर का जो व्हाट्सएप है वो ऐसे काम करता है। तो ये जो मेरे पास है वो वहाँ से जितनी मर्ज़ी कोशिश करे, जितने मर्ज़ी पंगे ले ले, यहाँ मुझसे कभी भी ये मैसेज डिलीट होने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं उसे भी SMS कर दूँगा, मैंने ये SMS उसे कर दिया, अब मैं फटाफट इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट पे गया, डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये SMS वहाँ से भी डिलीट हो चुका है, पर जब वो करेगा तो अपने आप से वो डिलीट करेगा, यहाँ से हरगिज़ डिलीट होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा इसका यही फ़ायदा है, इसको समझें और सीखें और करें, कमाल की चीज़ है। तो उसके बाद अभी मैं नाइट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं ये दिन टाइम वीडियो बनाता तो ये जो यहाँ पर ब्राइटनेस की लोगो आपको नज़र आ रही है, इसको मैं क्लिक करूँगा, कि लोगो नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं अब इसे नाइट टाइम डार्क मोड को ऑफ करूँगा और जो लाइट मोड है उसे अनेबल कर दूँगा। चेक करें, ये चीज़ बन चुकी है। और इसके बाद ख़ास बात आपको एक और बताएं, ये जो आपको यहाँ पर वाईफाई का निशान नज़र आ रहा है, अब मैं जब इसे कहीं किसी को भी SMS करूँगा ना, देखना यहाँ पर वाईफाई को एक एरर मिला हुआ है कि जिसका मतलब ये है कि आपका व्हाट्सएप अभी इंटरनेट में नहीं है, मतलब कि चल नहीं रहा, इंटरनेट इसका नहीं चल रहा व्हाट्सएप का। वैसे मेरा इंटरनेट ओपन है। ठीक है, देखिए वहाँ पर 4G सिग्नल आ रहे हैं। तो अभी मैं देखिए चेक करें, मैं यहाँ पर किसी को SMS करता हूँ तो किसी को SMS भी नहीं होगा। ठीक है, चेक कीजिएगा ज़रा, ये मैंने लिखा है रोबन मकसूद, अब मैं इसको SMS करूंगा, ये नहीं दोस्तों जाने वाला। पता क्यों? इसलिए क्योंकि ये देखिए मेरा इंटरनेट ही यहाँ पर WhatsApp का इंटरनेट ही बंद है। अभी मेरे WhatsApp का इंटरनेट ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी ये SMS भी वो देखिए गुड का चेक लग चुका है, ये उनको SMS जा चुका है। तो मैं फौरी से डिलीट कर दूँ। मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि आप अपने SMS डिलीट कर सकते हैं, पर वो अपने SMS डिलीट नहीं कर पाएगा। उसके इनबॉक्स में से तो डिलीट हो जाएंगे, पर आपके इनबॉक्स से कभी भी वो नहीं जाने वाले। तो उसके बाद हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले मैं डार्क मोड पे आ जाऊँ। सिंपल यार, बहुत ही मज़े की चीज़ है ये, इसकी लुक, इसका काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। ठीक चीज़ें हैं यार यहाँ पर, सबसे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद एड अपडेट्स अबाउट थीम्स यूनिवर्सल होम स्क्रीन चार्ट स्क्रीन विड्थ। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके थीम देखेंगे, न्यू थीम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गए, ये देखें यहाँ पर लिखा है डाउनलोड थीम, लोड थीम, सेव थीम, ठीक है, रिस्टोर थीम, रीसेट थीम, डिलीट, सेव एंड इंस्टॉल थीम, सब कुछ। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर जाएंगे, न्यू थीम डाउनलोड करेंगे। दोस्तों इसके इतने सारे थीम हैं, आप थक जाएंगे, अक जाएंगे, सो जाएंगे इसको स्लाइड कर करके, पर इसके थीम कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं। और बहुत ही मज़े के इसके थीम हैं, बहुत ही कमाल कमाल के इसके थीम हैं। ऐसे ऐसे थीम हैं कि आप अपने किसी दोस्त के सामने भी इस व्हाट्सएप को यूज़ करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलने वाला कि मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ या अपने मोबाइल का
जो SMS बॉक्स होता है उसे यूज़ कर रहा हूँ। कमाल चीज़ है यार। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये लगे भी ना कि ये WhatsApp हम यूज़ कर रहे हैं, पास अपने दोस्त के हों, हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं कि कितने मज़े मज़े की हैं यहाँ पर थीम है। तो हम कौन सा चलाने वाले हैं अभी थीम, यार कमाल चीज़ें हैं दोस्तों, क्या बताएं आपको। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, ये जो ग्रे लाइट है इसे हम डाउनलोड करते हैं और ये खुद बा खुद अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी लुक चेक करें, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसका अब आप जान ही गए होंगे कि ये ग्रुप हैं इसके, यार ये तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। अब इसका इनबॉक्स व्यू देखते हैं कैसा है, कमाल है यार, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। तो आप इसे यूज़ करें, सॉरी मैंने अपना डार्क मोड ही चेंज किया है, ठीक है, और ये लाइट मोड है। तो बस इतना ही था दोस्तों, अगर आप इस WhatsApp के मतलब और सीखना चाहते हैं, कस्टमाइज इसके थीम बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इसमें एक और भी बहुत मज़े की चीज़ है, इसमें एक और भी बहुत मज़े की चीज़ है दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, इस बोल को, इस बात को सुन लें और फिर जो चाहें करें, ठीक है। इसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप इसे चाहते हैं कि यार मेरे दोस्तों को यही लगे कि मैं ऑनलाइन हूँ, चाहे आप ऑफलाइन हैं, चाहे आपका फ़ोन बंद है, पर उनको यही लगे कि यार ये ऑनलाइन है, इसको SMS करते रहो। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑनलाइन भी रहें और अगले को यही लगे कि ये ऑफलाइन है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो उसके बाद मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये सिखाऊँगा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप हम ऑनलाइन भी हों तो अगले को यही लगे कि हम ऑफलाइन हैं, हम ऑफलाइन भी हों तो अगले को ऐसे ही लगे कि हम ऑनलाइन हैं। इस WhatsApp का सबसे मज़े का एक ये भी फीचर है। तो अभी के लिए बाय करते हैं, ओके बाय, टाटा।